अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरे व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को डेनी की एक प्रोडक्ट ऑडियोनिक के कुछ रिव्यूज़ देना चाह रहा हूँ। ये नेक बैंड है मेरे पास, इसके रिव्यूज़ दूंगा कि ये कैसा है। ये मैंने नया बैंड लिया है, इसको जस्ट इसकी बॉक्स की ओपनिंग करने के लिए हम जा रहे हैं। बेसिकली ये एन सीरीज़ का है और एन सीरीज़ के 210 जो मार्केट में बहुत पहले अवेलेबल था, ये 220 है जिसको हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। मैं अब इसमें इसी की अनबॉक्सिंग में आपको बताऊंगा भी कि 210 और 220 में क्या फ़र्क है और ये मतलब कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरे को मॉडल वाइज। और वैसे जो इसका बॉक्स है वो खूबसूरत सा है, लाइट वेट है, 5.0 की BT ब्लूटूथ के साथ इसकी कनेक्टिविटी होती है जो कि एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी ऑफ साउंड देगी आपको। डेफिनेटली माइक्रोफोन वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा। और ये क्लेम करते हैं कि 9 आवर्स इसकी जो टॉक टाइम या प्ले टाइम हम कह सकते हैं, 9 आवर्स तक इसका रहता है। वैसे अगर इसको आप एक वन टाइम चार्ज करके छोड़ देते हैं तो ये कंपनी क्लेम ये भी करती है कि ये 260 आवर्स तक जो है ये स्टैंड बाय बैटरी के ऊपर रहता है, चार्ज रहता है। कंफर्टेबल भी है, बहुत लाइट वेट है, प्रॉम्प्टली वॉइस को भी डिटेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है इसके अंदर। मेरे ख्याल से वैसे हम इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल ऊपर भी लिखा भी होगा कहीं, इसके अंदर 2 या 3 एक्सेसरीज हैं जिसमें से दो, एक तो इसका वारंटी कार्ड होता है और एक इसकी अपनी बुक भी होती है। अगर वैसे देखें हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक इसका ये बैंड होता है इसके अंदर, और इसके अंदर आपको एक चार्जिंग पिन मिलती है जो कि आपने किसी भी USB पोर्ट के साथ लगा के इसको चार्ज करना होता है। जो इसका तीसरा पॉइंट है वो इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो 2 सेट्स हैं, वो ईयर जेल्स कहते हैं जिन जो बर्ड्स होते हैं बेसिकली कान के अंदर फिक्सिंग के लिए यूज़ होते हैं। किसी के छोटे कान हैं या बड़े कान हैं वो उसके हिसाब से उसको लगा लेता है। चलिए हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें जो चीज़ें मेंशन है एज इट इज़ इसी तरह ही मिलती हैं या कि हम देखते हैं इसको। इसको ओपन करने के लिए ये छोटा सा एक पैकिंग तो बड़ी ज़बरदस्त सी बनाई हुई है, देखें इन्होंने इसको। मुझे ये ऐसे लगता है कि ये पैकिंग मतलब खोली जा सकती है लोकली अगर देखा जाए तो। ये बर्ड है क्योंकि ये प्रीमियम क्वालिटी है इनकी, और जैसा कि मेंशन है किया हुआ कि इसमें एक तो ये है, साथ में हमारे पास ये बर्ड्स हैं ये जो मैं आपको बता रहा था इसको, उसके बाद ये वारंटी कार्ड है, ऑडियोनिक का वारंटी कार्ड है। और वैसे इसके ऊपर मेंशन क्या है, इतनी वैसे प्रॉब्लम इसमें आती है नहीं। इसकी एप्लीकेशंस हैं जो कि आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के लिए यूज़ होती है, डिफरेंट किस्म के आप इसको यूज, आपको पता ही होगा। ये इसका चार्जिंग केबल है जो कि मैंने आपको मेंशन किया था, और ये साथ इसके अंदर छोटी सी बुक है। इसको अंदर ही जाने देते हैं, इसको साइड पर रखते हैं, कार्ड को रखते हैं, और हम जो मेन चीज़ है वो उसको देखते हैं। ज़बरदस्त हैं, फ्लेक्सिबल हैं, ये देखें बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, मुझे इसको पसंद आ रही है। अच्छा हाँ, अब मैं आपको बताता चलूँ, बेसिकली जो N210 मॉडल था उसके अंदर और इसके अंदर फ़र्क ये है कि ये एक तो ये सिंगल इसी कलर में आता है, ब्लैक कलर होता है, और जो इसका ये आगे से इन्होंने जिसके ऊपर बटन लगाए हुए हैं शेप बनाई है जो कि केबल से कनेक्ट होती है, ये बेसिकली इन्होंने मेटल की दे दी है। और पीछे से वो वही मटेरियल है जो कि इसको ईजीली आप इसको ऐसे फोल्ड करके पैक कर सकते हैं, पॉकेट कर सकते हैं, ईजीली इसको आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपके लिए बड़ा आसानी है इसको इसको इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, और इसको आप नेक पे आराम से इजीली। अच्छा, इसके अंदर हमें 3 किस्म के बटन मिलते हैं, एक पावर का बटन है और एक वॉल्यूम के बटन है अप एंड डाउन करने के लिए जी। तो इसके अंदर मैं इसके बटन्स के बारे में बता रहा था, एक ये पावर का बटन है और 2 वॉल्यूम के बटन है। वॉल्यूम के बटन आप नॉर्मली साउंड को ट्रैक्स को आगे आप फॉरवर्ड या बैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वॉल्यूम के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। ये 3 बटन दिए गए हैं, कॉम्पैक्ट है। इसके साथ ही माइक्रोफोन है जो कि बहुत ही स्मॉल है और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ पर द अदर पर्सनस रिव्यू, जो उन्होंने रिव्यूज़ किए हैं उसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। दूसरा ये कि इसमें दिखा रहा था मैं आपको, ये चार्जिंग पोर्ट है
जो कि नॉर्मली कोई भी एंड्रॉयड का चार्जर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको चार्ज करने के लिए, वरना ये जो साथ एक छोटा सा चार्जर आया है आप इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूएसबी किसी भी यूएसबी पोर्ट में डाल के पावर बैंक में डाल के इसको चार्ज कर सकते हैं। वन टाइम की लास्टिंग आपको पता है कि नॉर्मली 9 आवर्स तक आपको डार्क टाइम देती है और 260 आवर्स इसका स्टैंड बाय टाइम है और 5.0 की बी टी। इसको हम इसको नेक के अंदर डाल के देखते हैं। तो अजान हमारे साथ मौजूद है, हम अजान को, अजान आप हमारी छोटी हेल्प करें बैठें प्लीज़। तो अजान की नेक में इसको डालते हैं और चेक करते हैं कि अजान, ये देखिए बड़ा कंफर्टेबल है नेक में, प्रॉपरली कंफर्टेबली इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये मैग्नेटिकली इसको हम जोड़ सकते हैं इजीली, ये यानी कि आपको ये ना ही गिरने देगा ना मूव करने देगा, मतलब ना मूव होगा हवा में, बाइक पे यूज़ कर सकते हैं आप इसको, वॉक कर सकते हैं इसके साथ। एक बैंड यूज़ करना है, एक बैंड यूज़ कर लें, दोनों करने हैं दोनों यूज़ कर लें। देखें कम्पैक्टली ये अजान दूसरे कान पर डालिएगा, देखें आप ये कम्पैक्टली ये दोनों आप इसके कान में डाल सकते हैं। अब अजान जिस तरह एक छोटे हैं तो ये दूसरी बर्ड्स जो स्मॉल बर्ड्स हैं, क्योंकि ईयर अगर साइज छोटा है तो ये स्मॉल बर्ड्स यूज़ करके इसको प्रॉपरली ईयर के अंदर फिक्स कर सकते हैं। और ये बड़े अच्छे हैं, मैग्नेटिकली अच्छे हैं, ये देखें मैग्नेटिकली बहुत ज़बरदस्त हैं ये। अब इसको हम थोड़ा सा कनेक्ट करके, थैंक यू अजान, थैंक यू वेरी मच। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा कनेक्ट करके देख लेते हैं। साउंड इसकी वैसे बाहर भी आनी चाहिए, अच्छी साउंड है सुनने में, बहुत ज़बरदस्त साउंड आई है। इसको हम इसकी बीटी ऑन करने के लिए पावर के बटन को 3 सेकंड या 4 सेकंड्स के लिए, ये इसका पावर का बटन है सेंटर में ये। थैंक यू ज़ियान, आपने हेल्प की, ये यहाँ पे पावर का बटन प्रेस किया मैंने, इसको ये ऑन हो गया और अब ये कनेक्ट हो रहा है मेरे सेल फोन के साथ, दूसरे सेल फोन है उसके साथ मैं कनेक्ट करता हूँ। मेरे ख्याल से ऑफ हो गया, अब ऑफ हुआ है, रेड जब रेड लाइट होगी दैट्स मीन कि इट्स गोइंग टू ऑफ। हम दोबारा इसको ऑन करते हैं, ये कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, मैं इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट किया है, इसको प्ले करता हूँ और मतलब मैं इसको अभी कानों पे लगाए बगैर भी सुन सकता हूँ, लाइक इसकी थ्रो बहुत अच्छी है। ये ट्रैक भी इसने चेंज कर लिया, नया ट्रैक है, मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ। मैं यहाँ तक सुन रहा हूँ, अगर आप सुन सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा माइक्रोफोन के कैमरे के माइक्रोफोन पे करता हूँ करीब, तो शायद थोड़ी आपकी आवाज़ आएगी। आपने इसको मुँह पे तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको किया है और ये प्रॉपरली हम इसको, मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा और लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। इसको अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं आप, इसको यूज़ कर सकते हैं। N220 इसका मॉडल है, एक्सेसरीज में भी आपके सामने, आजकल जो जितने भी बैंड्स आ रहे हैं उनमें मुझे ये अच्छा लगा है और ये फ्लेक्सिबल भी है। इसको पॉकेट में भी कर सकते हैं, ऐसे मूव करें और इसको पॉकेट कर लें, पॉकेट में ले जाना कहीं पे ले जाए, नहीं तो आपके ये नेक के साथ बड़ा अच्छा बैंड है, इजीली कैरी कर सकते हैं आप इसको। और जो कि बड़े जिस तरह बच्चे यूज़ करते हैं इसको, आप गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आल दो के गेमिंग के लिए लेदर से बैंड आते हैं, एयरपॉड्स भी आते हैं गेमिंग के लिए, हेडफोन्स आते हैं अच्छे अच्छे तो, लेकिन मेरे ख्याल से कि नेक बैंड जो है ये बहुत अच्छा है और इसको आप कर सकते हैं। मेरे मैं इसको अगर रिव्यूज़ में अगर नंबर देना चाहूँगा तो एटलीस्ट 7 to 8 जो है ना दूंगा आउट ऑफ 10। थैंक यू वेरी मच वीडियो आपको देखने का, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी पहली वीडियो थी रिव्यूज़ से रिलेटेड, इंशाल्लाह मैं आपको और भी गैजेट्स से लेके आऊँगा, आपको अच्छी से अच्छी वीडियोज़ देने की कोशिश करूँगा। So nice of you, thank you very much.